हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुनिया बासपुर 111। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स मैं भी जा रही हूँ फिर से एक बार वेस्ट बंगाल, क्योंकि पिछली बार जब अपने भाई की शादी में गई थी तब नहीं जा पाई। मुझे जहाँ जाना था वेस्ट बंगाल में राजबाड़ी नाम की एक जगह है, और वेस्ट बंगाल में काफ़ी कुछ ऐसे देखने लायक चीज़ें हैं जो मैं नहीं देख पाई, क्योंकि इमरजेंसी में मुझे वहाँ से आना पड़ा। अपने भाई की शादी की एक रस्म, मैंने उनकी उसकी दुल्हन की विदाई नहीं देख पाई मैं। तो अभी मैं जा रही हूँ वेस्ट बंगाल, वहाँ की कुछ कुछ जो खासियत है, ख़ास चीज़ें हैं वो सब देखने, जैसे राजबाड़ी हो गया, मंदिर हो गया, ये सारी चीज़ें घूमने जा रही हूँ। तो आप लोग भी बने रहिए, आप लोग को भी बहुत मज़ा आने वाला है। और साथ में मेरे भैया जा रहे हैं, ये देखिए, ये मेरे बुआ के बेटे हैं, आप लोगों को तो पता ही है, पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा आप लोगों ने। सो, देखती हूँ ट्रेन कब तक हमें मिलता है। जहाँ तक मुझे पता है 7:20 में एक ट्रेन है, पता नहीं वो मिस हो जाएगी तो 9 बजे की ही ट्रेन मिलेगी हमें। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ हमारे इस ब्लॉग पे, और देखते रहिए क्या होने वाला है। सो गाइस फाइनली हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, हमने टिकट विकेट सब करवा लिया, और 7:30 बजे की हमारी ट्रेन है। आई थिंक वो बेंगलोर ही होगी, बेंगलोर एक्सप्रेस, क्योंकि कई बार मैं उससे सफ़र कर चुकी हूँ, इसी टाइम पे होती है। तो हम लोग अपने प्लेटफॉर्म में हैं, 1 नंबर प्लेटफॉर्म में। अब देखते हैं 7:30 बजे ट्रेन राइट टाइम में आती है या नहीं, ये कभी कभी वो लेट भी मारती है। तो ये देखिए हमारा रंगिया स्टेशन, ये भैया। हेलो, तो गाइस बने रहिएगा ब्लॉग पे, बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने काफ़ी कुछ सुना है बंगाल के राजबाड़ी के बारे में, बट आज पहली बार देखूंगी तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आप लोग भी बने रहिए, आप लोग के भी साथ लेके घूमने वाली हूँ मैं, आप लोगों को भी दिखाने वाली हूँ। तो गाइस फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और वी आर ऑन द वे, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और अभी कितना बज रहा है, लगभग 8 बज रहा होगा, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं और वहाँ जाके क्या होता है, ये जानने के लिए आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, आपको हर पल का अपडेट हम लोग देते रहेंगे। तो गाइस हम लोग अभी न्यू मोएना स्टेशन पहुँचे हैं, यहाँ से शायद न्यू कुछ बिहार तक वेस्ट बंगाल 1.5 घंटा या 2 घंटे और लगेंगे। बहुत भूख भी लगी है क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, और ट्रेन का कुछ भी मैं ऐसे ही नहीं खा लेती, तो देखती हूँ वहाँ उधर के ही कुछ खाना होगा स्टेशन पे। देखते कब तक पहुंचते हैं, ट्रेन काफ़ी लेट भी है आज, टाइमिंग पे नहीं है। गाइस बने रहिएगा ब्लॉग पे। ये देखिए यहाँ का हमारा न्यू कूचबिहार स्टेशन,
चैनल पर नहीं आए हैं तो ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलिए, और हो सके तो फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। सो गाइस, ये देखिए, थोड़ा सा मैं एंड करने से पहले आप लोग को यहाँ का स्टेशन का थोड़ा नज़ारा दिखा देती हूँ। ये देखिए, ओके गाइस, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग अस।